क्लास टू कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ सब प्यारे बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दिल लगा कर अपना काम लिख भी रहे होंगे और याद भी कर रहे होंगे वेरी गुड सो स्टूडेंट आपको पता है हमने ग्रामर स्किल्स का यूनिट नंबर एट स्टार्ट किया था तो आज हम उसकी एक्सरसाइज नंबर ई और एफ सॉल्व करेंगे एट पेज नंबर थर्टी टू सो जल्दी से अपनी ग्रामर स्किल्स की बुक निकालें पेज नंबर थर्टी टू ओपन करें और ऊपर आज की डेट मैंशन करें तो आज क्या डेट है एट फाइव एंड ट्वेंटी सब बच्चों ने डेट वेरी गुड तो इस चैप्टर में हम प्रोनाउंस के बारे में पढ़े थे मतलब नाउन की जगह पे हम कौन कौन से वर्ड्स लगाते हैं वो हम इसमें कर रहे थे तो एक्सरसाइज नंबर ई है हमारी अ सूटेबल प्रोनाउन इन द सेकेंड सेंटेंस वो कहते हैं हर कैटेगरी uh, में जो सेकेंड सेंटेंस है उसमें आपने क्या लगाना है प्रोनाउन हमें कैसे पता चलेगा हमने कौन सा प्रोनाउन लगाना है फर्स्ट सेंटेंस में जो नाउन इस्तेमाल हुआ होगा उससे हमें पता चलेगा कि हमने कौन सा प्रोनाउन लगाना है सेकेंड सेंटेंस में ठीक है जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस है हमारा द कैंपिंग बच्चे जो हैं कैंपिंग कर रहे हैं अभी यहाँ पे देखिए एक से ज्यादा बच्चों की बात हो रही है तो ज्यादा के लिए हम क्या यूज करते हैं स्टूडेंट डे यूज करते हैं वेरी गुड याद है ना सबको तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे दे लिखेंगे ठीक है नेक्स्ट है माई नेम इज माइक मेरा नाम माइक है अब वो इन बच्चा जो है अपने बारे में बता रहा है तो अपने लिए हम क्या यूज़ करते हैं आई यूज़ करते हैं तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया आई नेक्स्ट है जेनेट इज़ यूजिंग द फ़ोन अब यहाँ पे हम एक गर्ल के बारे में बात करें जेनेट के बारे में तो गर्ल के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करते हैं ही या फिर शी शी शाबाश तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे शी नेक्स्ट देखें द डॉग इज़ फर्स जो डॉग है वो बहुत खौफनाक है सो so, मैंने आपको बताया था जब हम एनिमल्स बर्ड्स वगैरह की बात कर रहे होते हैं तो उसके लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करते हैं इट यूज़ करते हैं तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया इट नेक्स्ट देखें दिस मॉडल प्लेन इज़ मेड बाय पीटर अब यहाँ पे देखें हम किसके बारे में बात करें एक जहाज़ के बारे में बात करें तो जो जहाज़ अब नॉन लिविंग थिंग है तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे इसके साथ इट लिखेंगे ठीक है तो ये हमने क्या लिख दिया इट लिख लिया नेक्स्ट है पीटर एंड आई स्टडीड इन द सेम स्कूल मैं और पीटर एक ही स्कूल में पढ़ते हैं अब यहाँ पे देखें आप अपनी और अपने साथ किसी की बात कर रहे हो ठीक है इट्स मीन हमने यहाँ पे क्या लिखना है वुई वुई का क्या मतलब होता है हम ठीक है जब हम अपनी और अपने साथ किसी की अपने मतलब रिलेटिव्स की बहन भाइयों की या फ्रेंड्स की बात कर रहे होते हैं अपने साथ तो हम क्या लिखते हैं वुई लिखते हैं ठीक है जॉन यू आर लेट अगेन जॉन तुम आज भी देर से आए हो कौन सा यहाँ पे हमने प्रोनाउन यूज़ करना है यू यूज़ करना है ठीक है क्योंकि ऊपर भी क्या यूज़ हुआ है यू तो हमने यहाँ पे लिख देना है वाई ओ यू यू नेक्स्ट देखें गर्ल्स आवर टीम हैव वन गर्ल्स हमारी टीम जो है वो जीत गई है डैश हैव डन वेल अब गर्ल्स यहाँ पे ज़्यादा है ना और ज़्यादा गर्ल्स से बात की जा रही है इट्स मीन गर्ल्स जो हैं वो बिल्कुल सामने हैं जब आप उनसे बात कर रहे हो तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे यू लिखेंगे ठीक है सो so, हमने एक्सरसाइज नंबर ई जो है वो सॉल्व कर लिया उसके बाद स्टूडेंट एक्सरसाइज नंबर एफ है रीराइट द सेकेंड सेंटेंस यूजिंग द शॉर्ट फॉर्म्स अब हमने क्या करना है ये जो सेकेंड सेंटेंस है हमने इसमें जो प्रोनाउन लगाया है उसकी हमने शॉर्ट फॉर्म लगानी है जैसे कि यहाँ पे देखिए दे क्या सेंटेंस था दे आर पिचिंग टेंट वो एक टेंट लगा रहे हैं तो यहाँ पे हमने दे आर की शॉर्ट फॉर्म लिखनी है दे पूरा लिखना है ऊपर कोमा लगाना है और क्या लिख देना है ए की जगह पे कॉमा जगह और आर आ जगह तो ये भी बन जाएगा. They are pitching a tent. वो एक टेंट लगा रहे हैं. इसी तरीके से नेक्स्ट है माई नेम इज माइक आई एम एट ईयरस अब आई एम की शॉर्ट फॉर्म स्टूडेंट क्या होती है आपने आई पूरा लिखना है और एक ही जगह पे आप देख गएंगे कॉमा और फिर क्या आ जाएगा एम आ जगह ठीक है आई एम और बाकी सारा सेंटेंस इसी तरीके से आपने राइट कर देना है आई एम एट ईयर्स ओल्ड ठीक है हम ऐसा करते हैं पहले शॉर्ट फॉर्म लिख लेते हैं और बाद में अपना सेंटेंस जो है वो रीराइट कर लेंगे ठीक है नेक्स्ट देखें नेक्स्ट सेंटेंस में हमारे पास है शी इज टॉकिंग टू हर फ्रेंड अब यहाँ पे यहाँ पे हमने शी इज की शॉर्ट फॉर्म लिखनी है तो वो कैसे हो जाएगी शी पूरा आ जाएगा और इसके आई की जगह पे हमने लगा देना है कोमा ऊपर और फिर क्या आ जाएगा ऐसा आ जाएगा तो ये बन जाएगा शीज ठीक है इसी तरीके से यहाँ पे क्या है इट इज़ इट इज की शॉर्ट फॉर्म कैसे बनेगी इट पूरा आ जाएगा के आई की जगह पे हमने कोमा लगा देना है और ऐसा आ जाएगा ये बन जाएगा इट्स इसी तरीके से नेक्स्ट भी हमारा इट है तो ये भी यही बन जाएगा इट्स ठीक है उसके बाद नेक्स्ट सिक्स वाला देखें सिक्स में है वी आर तो इसकी शॉर्ट फॉर्म कैसे बनेगी वी हमने पूरा लिख लेना है ए आर ई आर ए की जगह पे हमने क्या लगा देना है ऊपर कोमा लगा देना है और आर ई -E लिख देना है ठीक है तो ये बन जाएगा ठीक है नेक्स्ट देखें यू हैव यहाँ पे क्या होगा यू हमने पूरा लिखना है वाई ओ यू यू ठीक है एच ए की जगह पे हमने क्या लिख देना है कोमा और ये आ जाएगा वी तो बन जाएगा यू ठीक है इसी तरीके से नेक्स्ट भी यू हैव है तो वो भी ऐसे ही आएगा वाई ओ यू कोमा ई ठीक है और बाकी सेंटेंस हमने ऐसे ही रीराइट कर देना है so स्टूडेंट इस तरीके से आपने सिर्फ और सिर्फ नाउन की शॉर्ट फॉर्म आपने लिखनी है बाकी सेंटेंस एज इट इज आएगा जैसे आई एम मेट यज ओल्ड शी इज़ टॉकिंग टू हर फ्रेंड इट्स पार्किंग एट द स्ट्रेंजर इट्स मेड इट बाय हिमसेल्फ वी आर गुड फ्रेंड्स यू हैव मिस द बस यू हैव डन वेल ठीक है आई होप आपको यूनिट नंबर एट की जो है अच्छे तरीके से समझ आ गई हो सो स्टूडेंट आज हमारा यूनिट नंबर एट जो है वो कंप्लीट हो गया है इसकी आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है और नीट हैंड राइटिंग में सॉल्व करना है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे ग्रामर स्किल्स का तब तक आप लोगों ने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है अल्लाह